सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ, क्या करोगी तुम? मुझे छोड़ोगी या फौज को? इस घर की इज्जत जिस तरह लेकर जा रही हूँ ना, उसी तरह वापस लेकर आऊंगी, बल्कि बढ़ा कर लेकर आऊंगी। प्रेशराइज तो कोई भी नहीं कर सकता ना किसी की फैमिली को, लेकिन दानियाल के लिए कोई भी लड़की अपने माँ बाप से लड़ सकती है। था मंदन दान ने मुखद वीरक हम किया नहीं किया। उसका इतना ख्याल है, मेरा नहीं। वो तो मेरी जान है। और मैं? आप मेरा जहान है। यानी कि हम दोनों जाने जहां हैं। आजकल गांव में बड़ी अजीब अजीब सी बातें चल रही हैं। कैसी बातें? तुम्हारी बेटी के बारे में। मेरी बेटी के बारे में? क्यों? तो वो बार बार शहर क्या करने जाती है? और फौज ने खत भी भेजा है तुम्हारी बेटी को, वो कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर आई? कैसा उल्टा सीधा काम? कोर्ट कचहरी वाला काम। अल्लाह नहीं करे, मेरी बेटी तो फौज में अफसर बनने गई है। क्या मतलब? कैसी अफसर? जैसा सरदार का बेटा अफसर बनने गया है। सरदार का बेटा तो मर्द है, तुम्हारी बेटी मर्दों की तरह फौज में काम करेगी? हाँ, फौज में मर्द औरत नहीं देखते, काबिलियत और तालीम देखते हैं। और इंशाल्लाह मेरी बेटी अफसर बन के आएगी। अम्मा, अम्मो, अरे पराक्कु है ना? अम्मा, अम्मा, माँ में है, ओको मलेस्टी, मैं मुकद, मैं का गंडा, मैं मुकद में, मनोरथ तुलती, मैं को आगे था ता नतीवेंड कालिंगे आ गत्त थे गक मुजाहिदां करते, ये आटे मैं का देंड बैरी उनाने, एक हिंद ओयार देंगे मैं का गेनी आंडे, अभी तो कावदावरी ओयार हम बुए चदाव सकते ये आटे देंड मैं का एकलोंगे आलू खाम वेनुएं। तुम्हारी उर्दू ठीक है? हाँ, जब से काकुल जाने का पता चला है प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम्हारा पापा ने हम दोनों को उर्दू सिखाई थी। नन्नू, तो मत कुछ मेजर सामा। सीएमए काकुल की घड़ी में जो वक्त है उसे नोट करके रख लो। आज तुम यहाँ पहली मर्तबा आए हो और दो साल बाद तुम इस जगह से जाओगे, तब भी इस घड़ी का वक्त नोट करके रखना, क्योंकि इन दो सालों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बराबर चले तमाम सामान, बराबर छे बाजी भी कंट्रोल रखे, तमाम सामान बराबर चले। वेरी गुड, रियर राइट, रियर सेंटर, किस तरह चले आप? मैं कह लूं बराबर चले, आप सेकंड कर रहे हैं, बराबर छे।
मानो प्लीज इधर आ जाओ, उधर मत जाओ। ज्यादा दोस्त है या हाउ प्रीटी इज इट? खिलाफ प्यार ने खराब कर दिया सर। अच्छा तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। मनोज, are you okay? Yes. Are you okay? Look at me. Yeah. Are you okay? Yeah. You wanna grab the cat? Yes. Okay, you need to be careful. Okay. 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 सर Welcome, Salam. Sama, how are you? I'm well, sir. Please come sit. Thank you, sir. Osama, welcome to PMA and a very warm welcome to 1st Pakistan Battalion. Thank you, sir. So, how is the family back home? Very well, sir. So, you're all settled in here? Yes, sir. That's good to hear. So, Osama, I was going through your profile. MashaAllah, you're an excellent officer. So, aap Miran Shah se aa rahe hain, join kar rahe hain? That's correct, sir. All right, so how is the 22 Baluch's morale? Hi, sir. That's good to know. So do convey my regards to Colonel Kamran when you talk to him next time. Will do, sir. All right. So, Osama, I'm giving you a very important task. It's a very sensitive job as well, but I'm sure you're going to pull it off. And you've joined the battalion. Abhi humare paas recently, 1st Park mein, we are going to run Lady Cadet Post 17. Unke term commander ke taur par, you'll be performing your duties. Right, sir. Just a small piece of advice for you. The more you train them harder here, the more easier they will find the battlefield tomorrow. So keep that in your mind. Right, sir. So wish you all the best and good luck to you. I'll try my best, sir. Salaam, sir. हम तो अपना स्टे बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर. Aftabad itself is a very good station and very beautiful. And I'm sure aap bhi bahut enjoy karenge. Ji. Osama kaafi excited hai apni posting ke bare mein. Aur maine bhi yahan ki zindagi ke bare mein bahut kuch suna hai. That's interesting. Main bhi teaching karti hoon. Aap bhi wahi school join kar le. Really? Kaisa hai aapka school aur bataiye uske bare mein? Kaafi acha environment. Aapko acha lagega wahan par. Osama, this is your first experience of training the lady cadets. So let me tell you something, it will be a mutually learning experience for both of you. I'm sure, sir. So please. Thank you. So jitna aapko unko sikhane ka mauka milega, I'm sure in process you will also learn a lot. I'm sure, sir. I look forward to it. And one thing more, Osama. Training lady cadets is slightly more challenging and bit complicated as compared to gentlemen cadets. Sir, I'll be sure to be respectful. But sir, मैं अपनी ट्रेनिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. I'll make sure I train them just as hard as we train our gentlemen cadets. And inshallah, sir, when we're done with them, they will be a fine product for our army. Perfect. Excellent.
Nathmi Pereira, I'm very pleased to announce that you are being attached with Pakistan Military Academy. As you know that Pakistan has been our closest ally and our cadets have been going on these attachments since a while now. Your father, our pride Ittihan Pereira, also went to Pakistan Military Academy for his training. We hope you not only take your father's legacy forward, but also represent Sri Lankan Military Academy through your conduct. Pakistan is a home far away from home. Is this cadet Nathmi Pereira? Yes. And are you Captain Farooq? Yes. Welcome to Pakistan. Thank you. Let's go. It's beautiful. Yes, thank you. Is this your first trip? Yes. Can you speak Urdu? No. Sir, मुझे लगता है नहीं उर्दू आती है. अगर वो कह रही हैं कि इन्हें उर्दू नहीं आती, तो इन्हें नहीं आती. तुम्हें तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है. Are we going straight to PMA? No. We are going to stop on our way for few refreshments, and you can make a call to your family. क्या कुछ और भी है जो आप करना चाहेंगी? What did you say? Nothing. I was just talking to the driver. वालेकुम सर. सर प्लीज नाम सर. कैप्टन फारूक, फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन. ये मेकअप अलम वतावे में देखकम मट आसा इतु. इट्स मैजेस्टिक. इट्स लाइफ चेंजिंग. From here? Not yet, ma'am. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Chaliye beta. Ji, chaliye. Chal. कैप्टन दानियाल, रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद. मेहरबानी, आ जाओ बच्चा. चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर. हाँ सीखा मैंने अपने आप भी जीना, मुझ में है ये दम, है मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे गम. इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है अज़म, है दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ रब हर कदम. एहसास
ये कोई जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रख लिया तुमने बेटे? तो क्या हो डैड, तो जितना यूज करेगा उतना ही लाएगा ना। ये उधर ले जाओ। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, अजीब सा लग रहा है। तो फिर कुछ मत कहें, और ये तो बिल्कुल मत कहें कि वापस चलो। अरे नहीं भाई, ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, अजीब लग रहा है मुझे। लंदन में भी तो अकेली पढ़ती रही थी ना। हाँ लेकिन मैं आती जाती रहती थी ना, और फिर महीनों तुम्हारे पास रहती भी थी। Don't worry, mom. You won't miss me. I assure you that, okay? I will. On. No kadai ushi kamai bhi. No tapa mata wai. Majumi! Papa zara zam. Shaista. तुम भी सिलेक्ट हो गई? हाँ देखो फिर कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अबू, अबू से मिलवाती हूँ। अबू ये वही लड़की जिसने मुझे जूते दिए थे और पैसे भी, इसको पैसे वापस लौटाने हैं। इससे बाद में हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुमने मेरी बेटी का बुरे वक्त में बहुत ख्याल रखा है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बेटी है इतनी अच्छी। अंकल ये मेरे अबू है और ये मेरी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तासु पुख्ताने आस्ता हाउ कना او تاسو زجی د وزیرستان یما او تاسو د کوم ځای یاست؟ مومن د ایجنسی دا، لیکن هم لوګ ملک سے بہت دیر باہر رہے ہیں، ابھی زبان بھی تھوڑی بھول گئے ہیں، اب اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ اچھا اچھا تاسو تم پشتو درسی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں پشتو نہیں آتی؟ مجھے پشتو کیسے آئے گی، اردو تو مشکل سے آتی ہے مجھے۔ شرم کرنی چاہیے، تمہارے باپ پشتون اور تمہیں پشتو ہی نہیں آتی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بیٹی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ہم سب کا ہی ہو گیا، اس کا بھی ایڈمیشن ہو گیا تو ہاں ماشاء اللہ خوشی ہو گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شائستہ خانزادہ۔ شائستہ خانزادہ، بتایا نہیں کہ ماں جبین بھی آ رہی ہیں؟ مجھے لگا تھا کہ نہیں آئے گی۔ تمہیں لگا تھا کہ وہ فائنل انٹرویو فیل کر جائے گی؟ You really think so? میں نے سوچا تھا کہ آئی ایس ایس بی کے بعد بھاگ جائے گی۔ تم تخنا تڑوا کے نہیں بھاگی، وہ بھاگ جائے گی۔ امی اس طرف جانا ہے۔ ہاں جو بھی ہے وہ یہاں پر ہے، she's going to give you a tough competition۔ مجھے کبھی کسی چیز میں بیٹ نہیں کر سکی سوائے ایک چیز کے۔ ہو سکتا ہے اسے بھی ایسا لگتا ہو۔ جو بھی ہے رابعہ، تمہارے اس کے بیچ میں کوئی پرسنل رائیولری نہیں آنی چاہیے۔ میرے اور اس کے بیچ میں کوئی پرسنل رائیولری نہیں ہے، ہمارے درمیان صرف رائیولری ہے۔ کہاں ہو تم یار، میں تمہیں کب سے کالز کر کر کے پاگل ہو گیا ہوں۔ یہیں پر کاکول میں آئی ہوئی ہوں۔ جی جی مجھے پتہ ہے کہ تم کاکول میں ہو، اسی لیے تو وش کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ممی پاپا کے وزٹ کے بعد تم تو غائب ہی ہو گئیں۔ مصروف تھی۔ ایسی بھی کیا مصروفیت ہے یار، تم فوج میں افسر بن جاؤ گی تو کیا مجھے بھول جاؤ گی؟ میں کالز کروں گا تم میری کال نہیں اٹھاؤ گی۔ ابھی کر تو رہی ہوں بات۔ ہاں لیکن پہلے کی طرح نہیں کر رہی۔ پہلے کی طرح کیسے؟ پہلے جیسے کرتی تھی، آواز میں مٹھاس ہوتی تھی، میرا نام کتنے پیار سے لیتی تھی، پر اب نہ تم بدلنے لگی۔ میں نے سوچا تم بدل رہے ہو تو میں بھی بدلنے کی کوشش کروں۔ کیا مطلب؟ تم نے کبھی اپنے ماں باپ سے میرے بارے میں یا مجھ سے شادی کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے نا؟ تم سے کس نے کہا یہ؟ تمہارے ممی پاپا نے۔ یہی کہا انہوں نے کہ تم نے دو تین اور لڑکیوں کے بارے میں بات ضرور کی ہے، لیکن میرا نام تک نہیں لیا۔ ارے تو اور لڑکیوں سے میں کون سا شادی کر رہا ہوں، صرف نام ہی تو لیا ہے، اور تمہارا ذکر میں نے اس لیے نہیں کیا ہے، میں سوچا کہ ہم ایک دوسرے کو تھوڑا اور سمجھ لیں۔ اور کتنا سمجھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو، 5 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، پلیز بیبی غصہ تو مت کرو نا یار، ویسے میرا چکر لگنا ہے آپ کے پاس، لیٹس ہیو سم فن ٹوگیدر۔ میں یہاں ٹریننگ کے لیے ہوں کاکول میں۔ ارے تو کیا ہو گیا،
ट्रेनिंग भी करती रहना, मिलते भी रहेंगे, फोन पे बातें भी होती रहेंगी। फोन बंद हो जाएगा मेरा, ले लेंगे वो मेरा फोन। क्या बात हुई यार, मतलब तुम 6 महीने फोन के बगैर होगी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर यार, पागल हो जाऊंगा। कोई किसी के बगैर पागल नहीं होता। अच्छा अपनी एक सेल्फी तो भेजो, मैं भी तो देखूंगा खड़ी होकर तुम कैसी लगती हो। यार भेज दो यार प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ आरजू, प्लीज भेज दो। मैडम फोन पर कब तक चलेगी आपकी ये कॉल? आपने अभी तक अपना फोन जमा क्यों नहीं करवाया? मैडम अपने मकाम पर चले, आप पीएमए का कुल की सरजमीन पर है, आप फौज में ट्रेनिंग के लिए आई है और आप 2 घंटे से फोन पे लगी है। जल्दी से सेल्फी भेज दो यार, आई लव यू आरजू। मैं जा रही हूँ, फोन बंद कर रही हूँ, बाय। चले चले मैडम। में मिठास होती थी। अरे तो और लड़कियों से मैं कौन सा शादी कर रहा हूँ, मेरा नाम कितने प्यार से लेती थी। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी क्या रखे सरकारी नौकरी? पर तुम्हारा जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया, मैं सोचा कि हम एक दूसरे को थोड़ा और समझ लें। सिर्फ ऑप्शन बताओ, क्या करोगे? मुझसे हर बात का मुकाबला मत किया, मुझे छोड़ोगी या फौज? आप फौज में ट्रेनिंग के लिए आई है। मैडम अपना मुकाम पहचाने, मुकाम पहचाने, मुकाम पहचाने। आप जमाल की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं? जी आई एम टॉकिंग अबाउट परिवश जमाल। वैसे ये बताएं, ये सारा कुछ अंदर मिलेगा ना? जी जी बिल्कुल, सारी चीजें अंदर होंगी अवेलेबल, आप चाहे समोसे या पेस्ट्रीज खाएं, पीएमए का तो मकसद ही आपको खिलाना है। That's what I heard from my dad too. He used to say Pakistanis are so hospitable. He trained from PMA. बाबा जी। बेटा वो सरदार था ना? हाँ हाँ। तो क्या उसने हमें देख लिया? हमको लगता है हाँ। बाबा अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, है ना, तुम जाओ जाओ। क्या हो गया बच्चा? बाबा वो जाने के बजाय वापस आ गए हैं। तुम जाओ जाओ, अल्लाह ही अमान, जाओ जाओ। तुम भी हो गए, मैं भी हो गया, इकट्ठे रहेंगे। हाँ हाँ आओ आओ, मैं तुम्हें अपने अम्मी अब्बू से मिलाती हूँ, तुम भी मुझे अपने अम्मी अब्बू से मिलाना। अम्मी जी बेटा, ये मेरी दोस्त आरजू, याद है हम ISSB टेस्ट में हम इकट्ठे थे। ये मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। अब आपकी बेटी बहुत प्यारी है जी। माशाल्लाह, लेकिन मैंने आरजू के बारे में बड़ा सुना है, माशाल्लाह क्या इंटरेस्ट है इस पर। तुमने अपनी अम्मी को मेरे बारे में कोई तारीफ नहीं की? हाँ नहीं की है। हाँ हाँ, मुझे आरजू ने बताया था कि एक लड़की ने उसकी बड़ी मदद की, तो वो तुम हो ना? हाँ आंटी, बस मैंने तो अपने पर आपकी बेटी पे पढ़ पढ़ के फूका है। देखे दोनों कामयाब हो गए हम दोनों। बहुत मुबारक हो। ये कहना चाह रहा था कि मेरी बेटी को यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए, एक एक बेटी है हमारी। सर आप फिक्र ना करें, वो हमारी बेटी बहन है, उसे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। अगर किसी किस्म की
आपको कोई ज़रूरत हो मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, बल्कि पी एम ए को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो। थैंक यू सर, पी एम ए यूँ चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। आई एम नॉट ए फॉरनर, मैं पाकिस्तानी हूँ, आई लव माई आर्मी। ये बताइए कि यहाँ के कमांडेंट को कैसे मिला जा सकता है? सर, कमांडेंट को मिलने के लिए कोई माकूल वजह की ज़रूरत होती है, अनफॉर्चुनेटली पी एम ए यूँ मुलाकातें अरेंज नहीं करता। वैसे अगर आपको ज़ाती तौर पर कोई चीज़? नहीं, थैंक यू सर, ज़ाती तौर पर भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना घर बनवा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ फौज ने दे दिया है और ऊपर जन्नत में अल्लाह ताला दे देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके थैंक यू। इजाज़त है सर। थैंक यू। हाय अल्लाह, कितने हैंडसम है ये वाले ऑफिसर, अल्लाह करे हमारे इंस्ट्रक्टर हो ये। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? यहाँ तो सभी हैंडसम है, पर सिद्रा हम यहाँ खुद फौजी बनने नहीं आए, और हैंडसम भी। एक तो तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, इंटेलिजेंट बड़ी हो ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपकी बेटी भी एलसी से है? जी, सिब्बी से। माशाल्लाह, आप तो बहुत खुश होंगे। जी साहब, साहब एक दाना परेशानी है, आपसे थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं? अबू बाप जाओ। हाँ, तुम ऐसे करो, तुम ये पैसा कुछ अपने पास रखो। अभी पैसे नहीं चाहिए मुझे, तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह मिलेगी, अभी तो तुम्हारे ट्रेनिंग में 6 महीने हैं। अबू, ट्रेनिंग के भी पैसे मिलेंगे, भिजवाऊंगी आपको। बाप कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि वो बेटी के हाथ से तनख्वाह ले। तुम अपना तनख्वाह अपना पास रखो। अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, अब मैं फौजी बन गई हूँ। हाँ, तुम बहुत बड़ा अकलमंद हो गया है, ये रखो अपना पास पैसा। तो जाकना जमनो सवालो जमक संग अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आइए जवान साहब, बैठे। मेहरबानी साहब। जी बताएं। साहब वो हमारे सरदार का बेटा भी इधर फौज में है, सरदार आया था उसको छोड़ने इधर। साहब उसने हम लोगों को इधर देख लिया, अभी उसको पता चल गया है हमारा बेटी भी इधर काकुल में है। साहब हमको परेशानी है, वो इधर किसी को बोलकर हमारे बेटी को फौज से निकलवा तो नहीं देगा ना? जमाल साहब, पीएमए में किसी सरदार की नहीं चलती, यहाँ सिर्फ काबिलियत की चलती है, किसी के कहने पर यहाँ कुछ नहीं होता। साहब वो सरदार है और आपकी बेटी फौजी है। हमको लगता है वो परेशान जरूर करेगा। चले इसका भी हल निकाल लेते हैं, आए मेरे साथ। May I come in, sir? Yes, please come in. Salam, sir. Assalamu alaikum. Sir, एक छोटा सा मसला है। Yeah, what's the problem? Hamari sir. गुस्सा करो, गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ, बता दूँ क्या। बहुत बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक, अब मेरे बेटे का ख्याल आप नहीं रखना। जी जी बिल्कुल, बटालियन कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। बटालियन कमांडर साहब ने खुद बुलाया? जी। चलिए आए। जरा ख्याल रखना। सर आप फिक्र ना करें, लेकिन ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सर वो माने भी नहीं देंगे, काकुल में कोई तफरीक नहीं थी। चले मैडम आप। Good luck.
दानियाल मेरा तो दिल घबरा रहा है, मेरी बच्ची इतनी नाजुक है। ISS भी गई थी तो देखा था पाँव में चोट लगा के आ गई थी, इसका यहाँ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नाजुक बन के गई है, सिर्फ आहन बन के नहीं। चले आपको चाय पिलाता हूँ, बहुत अच्छी चाय है। सामंग सर। कौन सामा? सामा सर, सरदार साहब इसे। वेलकम सरदार साहब, आइए प्लीज। थैंक यू। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बैठिए प्लीज। सामा जॉइन अस प्लीज। कैसी सेहत है आपकी? तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत एहसान। क्या लेंगे, चाय कॉफी? बिल्कुल कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं। हेलो मैच, माशाल्लाह अब तो मेरा बेटा भी आपके पास यहाँ PMA में है। जी जी सरदार साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। मशकूर। और स्पेशली आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपके इलाके से पहली दफ़ा हमारे पास एक बच्ची ट्रेनिंग करने के लिए आई हुई है, एंड आई थिंक क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। आप जमाल की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं? जी, आई एम टॉकिंग अबाउट परीवश जमाल। सरदार साहब यकीनन आपकी सरपरस्ती के बगैर शायद ये काम मुमकिन ना हो सकता, तो आई एम श्योर कि इससे अंदाज़ा होता है कि आपने अपने इलाके में बच्चियों की पढ़ाई के लिए और तालीम के लिए काफ़ी काम किया होगा। सरदार तो बाप की तरह होता है, ये तो करना पड़ता है। सरदार साहब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हमारे बलूचिस्तान के सरदारों के लिए एग्जाम्पल हैं। सरदार साहब अब चूँकि परिवेश हमारे पास है तो उसका ख्याल हम रखेंगे, और मुझे उम्मीद है और बल्कि पूरा यकीन है कि परिवेश की फैमिली का अपने इलाके में आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे, अच्छा आदमी है जमाल। मेहरबानी। आइएगा, मैंने सोचा मैं आप लोगों की मुलाकात भी करवा दूं। जी साहब, हम जानते हैं हमारे सरदार। सलाम सरदार। वालेकुम सलाम। सलाम सरदार। सलाम सरदार साहब, बड़े अच्छे इंसान हैं। अभी बटालियन कमांडर से बात हो रही थी, कह रहे थे कि इनको बड़ी खुशी हुई ये जान के कि इनके इलाके की एक लड़की यहाँ पे अफसर बनने आई है। मिन्नतवार। बेशक बेशक, हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारे गांव की लड़की ने अपना नाम कमाया। जमाल साहब, आपको कोई भी मसला हो आप सरदार साहब के पास जा सकते हैं, जब तक परिवश यहाँ पर है ये आपका पूरा ख्याल रखेंगे। जी मिन्नतवार। और अब तो बटालियन कमांडर ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी है। भाई, अपने लोगों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है, और जमाल कोई काम हो, कोई ज़रूरत हो तो हमको बताना, और बेटा तुमको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लोग आते जाते रहते हैं, अपने जमाल को कहना ये भिजवा देगा। सरदार मिन्नतवार। खैर खैर साहब, बहुत मेहरबानी सर। बस हमने बोला था ना, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, साहिब ने बात कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कैसी लग रही हैं आपको पेस्ट्रीज? बड़े मजे की है, मेरी तो पांचवी है। PMA में बड़ी मजे की चीजें होती हैं, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ये सारा कुछ अंदर ले जाऊं। वैसे ये बताएं, ये सारा कुछ अंदर मिलेगा ना? जी जी बिल्कुल, सारी चीजें अंदर होंगी अवेलेबल, आप चाहे समोसे या पेस्ट्रीज खाएं, PMA का तो मकसद ही आपको खिलाना है। थैंक यू मैम, मेरे अम्मी अबू ना खाम खाम ही परेशान होते हैं, वो ड्रामे देख देख के ना उनको लगता है कि जो लड़कों के साथ सलूक होता है ना वो हम लड़कियों के साथ भी होगा, हालांकि हम तो लड़की है और क्वालिफाइड लड़की है, ये FA पास लड़कों जैसे सलूक हमारे साथ थोड़ी ना होना है। माशाल्लाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। जी मैडम, मैं ना फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। चलें गुड, आप खाएं। एक फीमेल ऑफिसर आई थी, वो मुझे बता रही थी कि यहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत अच्छा सलूक होता है, वो लड़कों की तरह जलील नहीं करते, और वो जो अल्फा ब्रावो चार्ली और सुनहरे दिन में लड़कों के साथ होता था ना वो हमारे साथ नहीं होना, हम तो आखिर सिन्फ नाजुक है ना।
किसने कहा ये तुमसे? वो वाली मेजर ने। ये हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर ना हो। हाय अल्लाह, अगर ये हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर हुई ना, हमारी तो ऐश हो जानी है। इतनी अच्छी, इतनी नाइस। हेलो। हेलो। सो यू आर अ श्रीलंकन कैडेट? यस। ओह, वेलकम टू पीएमए। थैंक यू। May I help you with something? Thank you. I was confused about the food here. Oh, you should not be. You can have anything you want. Thank you. No, this, it's all vegetarian. How do you know I'm vegetarian? You come from Sri Lanka, our closest ally and brother. We want to be as hospitable as we can. That's what I heard from my dad too. He used to say Pakistanis are so hospitable. He trained from PMA. Oh, he trained from PMA as well. My father went to Sri Lanka many times. Rather, he has a very close friend over there. Oh, really? Excuse me. Excuse me. ये इतनी बारीक जलेबी बनाते कैसे? वैसे ना, ये सिर्फ पीएमए वाली कर सकते हैं। बस भी कर दो, कितना खाओगी? वो कौन है? है कोई? लगता है तुम्हारा कोई पुराना ताल्लुक है उससे। आखिर तुम्हारे पास नमक कितना है? नमक? कौन सा नमक? जो मेरे जख्मों पर छिड़क रही हो। Excuse me, sir. जी जमाल साहब, कोई और काम?